हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और भाई मैं भी अच्छी हूँ। और घर में आई थी तो आप देख ही रहे होंगे ना, सिर में ढाठू भी बांध लिया है। तो बस घर में ना इस तरह से हम लोग लगा लेते हैं ढाठू। अभी जा रही हूँ घास लाने के लिए पशुओं को, तो मेरी जिठानियाँ वगैरह जो है ना, दीदियाँ चले गए आगे घास काटने के लिए। बस मैं तो मात्र लेने के लिए जा रही हूँ, और बस उसके बाद फिर वैसे भी अब घर में शादी है तो 2-3 दिन तो काफ़ी बिजी रहेगा शेड्यूल, तो ऐसा रहता है गांव में आजकल। और कल पिछले कल तो कनक की बिजाई वगैरह थी करने के लिए, वो की हम लोगों ने, और आज हम लोग फ्री हैं तो बस चल पड़े हैं। तो देखिए रास्ते का व्यू भी दिखाती हूँ, आज दूसरी साइड जा रहे हैं तो यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ना ये रास्ता है, ये देखिए पत्थरों की ही पौड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से बना हुआ है पक्का रास्ता। और धूप भी आज तो काफ़ी खिली खिली धूप लगी है, 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी बारिश के कारण। बट और ये देखिए नाला, इसमें परमानेंट पानी रहता है सारा साल, ये देखिए। और मेरी परछाई भी पड़ रही है ना। तो चलते चलते बना रही थी, साथ साथ मैं चल भी रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, तो इसलिए ना वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। और ये देखिए ना खेत जो पहले बिजाई हो गई थी उनमें तो हो चुका है, देखिए लहसुन वगैरह और कनक भी। और ये देखिए ये खेत बीज गए हैं, ये अभी बीजने के लिए रहे हैं लोगों के हैं। सिंचाई की प्रॉपर सुविधा होने के कारण इस साइड वाला जो एरिया है ना, उसकी बिजाई हम लोगों ने पहले ही कर ली। और सिंचाई के लिए दिखाती हूँ आपको, ये है बना हुआ हमारे यहाँ पे वाटर टैंक, ये 28,000 लीटर जो है इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की। तो ये है बना हुआ जहाँ से जो है सिंचाई के लिए पानी आता है सभी खेतों में। तो ये देखिए पहुँच गई हूँ आधे रास्ते में, और एक गौशाला जो है ना हमारी यहाँ पर भी है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ना घास के कोठे लगे हुए हैं, और ये जो है जो धान का प्राल होता है ना उसके कोठे हैं, तो सभी ने इसी तरह से लगाए होते हैं साथ साथ में, जहाँ गोड होता है ना, हमारे यहाँ गौशाला को बोलते हैं गोड, तो इस तरह का रहता है। और ये देखिए ये जो नीचे है ना, ये सारे ये कोठे आप देख रहे हैं ना, दो ये प्राल का है और एक ये सरलू जिसको हम बोलते हैं घास को उसका, और ये है हमारा गौशाला, और ये हैं हमारे बैल दिखाती हूँ। और ये देखिए ना भाई जी घास रख के गए हैं, तो चलिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको अपने बैलों को। ये देखिए अपने हैं हमारे बैल, और ये हमारी गौशाला है, और ये देखिए ऋषि भी जा रहा है घास लेने के लिए, और अज्जू भी, और ये यहाँ पर भी हमारे खेत हैं। ये देखिए इस तरह से रास्ता है, ये देखिए, तो ये देखिए जा रहे हैं, देखिए अच्छे खासे रास्ते में, ये दिखाती हूँ आपको। धूप पड़ रही है ना आगे से, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में नीचे भी देखना पड़ेगा नहीं तो गिर जाऊंगी। ओह माय गॉड, और तो कुछ नहीं ना, सबसे अच्छी बात तो यही है कि सभी के इस साइड मैक्सिमम सभी ने, क्योंकि धूप इस साइड ठीक रहती है और धूप में बांध देते हैं आजकल सभी लोग पशुओं को। ये देखिए अगेन यहाँ पर भी गौशाला में है, और ये देखिए बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, और देखिए ना आजकल बटन लगा दिया है पहचान के लिए पशुओं के कान पर, ताकि इन्हें आवारा ना छोड़ा जा सके। ये देख रहे हैं ना आप, जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये येलो सा दिखाई दे रहा है ना, ये लगी होती है स्टैंप पशुओं के लिए, रजिस्टर्ड हो जाते हैं पशु, और अगर इनको छोड़े ना आवारा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। तो ये देखिए ना कितने दूर पहुँच गए, और अभी काफ़ी दूर जाना है घास लाने के लिए। तो नीरज को देखें, ऋषि और अज्जू तो काफ़ी दूर चले गए, ये देखिए ये जा रहे हैं है ना, अभी उससे भी साइड को जाएंगे दूर जैसे, और
वहाँ पे हमारे घास के रूटे, और देखिए चारों तरफ का पूरा इलाका दिखाते थे सामने, चांदी से चमकते हुए बर्फ़ के पहाड़, ये नीचे के सारे गांव थोन्ना टिक्कर खील गलू सब दिखाई देता है यहाँ से पूरा खुला खुला। और ये देखिए एक और नाला गया, ये यहाँ पर भी हमारे खेत हैं, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना आपको, ये भी हमारे खेत हैं। तो यानी कि गांव में ऐसा होता ना, काफ़ी दूर दूर खेत होते हैं, एक जगह किसी के भी खेत नहीं, और पानी देखिए अपना सारा साल इस तरह का पानी रहता है खेतों में। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, और ये है सिंचाई के लिए कुएं बनी हुई, तो नाले से पानी लिफ्ट किया जाता है और इनमें जब ज़रूरत होती ना तब। और ये देखिए इस नाले में भी सारा साल पानी रहता है, ये भी ज़मीन से निकला हुआ पानी है। और ना पत्थर तो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में, और यहाँ पर भी पक्का रास्ता है। ये गांव में एक सुविधा है कि पक्का रास्ते सभी जगह हैं, कितने बड़े बड़े। और ये देखिए एक चैम्बर है, ये भी सिंचाई के लिए है बना हुआ। ये देखिए ये भी इस तरह से, और ये देखिए। तो आज तो अपने खेतों की सैर करा रही हूँ आप लोगों को मैं, और ये और ये जो नीचे शेड जैसा आपको दिखाई दे रहा ना, ये है घराट, ग्रेट जिसको हम बोलते हैं ना। पहले ना इन्हीं में आटा पीसा जाता था, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको इसका सिस्टम। ये पानी की पाइप है, ये जाती है यहाँ से, और इसके अंदर रुको एक मिनट, देख ये बंद है देखिए, नहीं तो मैं आपको दिखाती किस तरह से होते हैं घराट। नेक्स्ट टाइम आऊँगी और खुला होगा तो दिखाऊँगी आपको पानी से चलने वाले हमारे ये घराट। यार मैं भी रास्ता भूल गई, काफ़ी दिनों के बाद आती हूँ ना। तो ये भी हमारा ही खेत है यहाँ पर, देखिए ना ये पहुंचने वाले हैं हम अपने रूटे में। ये देखिए ये है हमारा रूटा, कितना घास घास ना नीचे, ये देखिए। और यहाँ पे भी पानी तो परमानेंट ही रहता है, ये देखिए। और ये देखिए आपको यार, चलिए वो दिखाती हूँ मैं, वो काट रही हैं दीदी हैं घास, देखो ये देखिए ये काट रही है दीदी घास, और ये अज्जू, और ये है ऋषि, और देखिए ना नीचे वो कितना। और यहाँ पे भी देखिए आपको पानी दिखाती हूँ, नेचुरल वाटर है ये। ये देखिए ये देखिए ये है नेचुरल वाटर, ये भी सारा साल रहता है हमारे पानी। ये देखिए ये, और वो देखिए ये देखो, ऊपर का दिखाती हूँ यहाँ से आपको, कितने ऊपर से आए थे हम लोग। ये रुको थोड़ा सा, ये देखिए चढ़ाई, तो यहाँ से होते हुए आए हम नीचे और पहुँच गए यहाँ पर। तो लीजिए मैं भी पहुंच गई थी घास के रुट्टे में नीचे, और आते ही देखिए लग गई हूँ मैं भी घास काटने। और यार बड़ा मज़ा आता है वैसे, कभी कभी जब हम लोग जाते हैं ना इस तरह से काम करने तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के ज़मीन के काम करने। और अब भाई 3-4 दिन के लिए घास लेना है तो काटना तो मुझे भी पड़ेगा, और दीदी देखिए साथ में बड़े दीदी लेकर आ गए हैं बकरियों के लिए पानी, तो बकरियों के लिए घास भी लेकर आ गए हैं हम। तो दो तीन दिन के लिए हरा घास जो है पशुओं के लिए ले जाना है। दो हमारे पास भैंसे हैं, एक गाय है, दो जो है भैंसों के बच्चे हैं, तो इतने सारों के लिए तो भाई ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो हम लोग जो है 50-60 पुल्ले जो है घास के ले गए थे, बैलों के लिए भी ले गए थे यहाँ से भाई जी हरा घास। तो इस तरह ना आजकल के दिनों में इसी तरह से जो है रुट्टों से हरा घास जो है पशुओं के लिए चारे के तौर पर ले जाया जाता है। और ये देखिए ना दीदी ने बांध दिया है उस साइड घास का रेटा, तो अज्जू और ऋषि जो है ले जाएंगे पहले, और हम लोग अभी थोड़ा सा कमी है काट घास की तो काट लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे। और उसके बाद जो है आगे क्या क्या करेंगे घर में जाके वो मैं आपको तब बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से काट कर इस तरह से जो है ना घास का जो पुल्ला होता है उसको बांधा जाता है। ये देखिए इस तरह से घास रखा और इस तरह से उल्टा कर इसको इस तरह से बांध दिया। तो घास काटकर अब हम लोग भी चल पड़े हैं घास लेकर। तो देखिए पीछे छोटी दीदी आ रहे हैं, और अभी देखिए भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती बहुत ज़्यादा चढ़ाई में, और ये जो है ना
यहाँ पर मिट्टी भी गिल्ली है और पहाड़ी बिल्कुल खड़ी है, तो गिरने का डर है, इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सकती थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी, बस आपको दिखाया कि इस तरह से ले जा रहे हैं हम लोग घास, और काफ़ी दूर ले जाना था घास, तो भाई थक जाते हैं, इसलिए हम लोग रुक गए थे यहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए, और यहाँ पर बैठ गए हैं, थोड़ी सी धूप भी सेक लेंगे, सुस्ता भी लेंगे। और देखिए यहाँ पर दीदी और भाई जी कर रहे हैं घास डालने का काम बैलों को, और ये देखिए ना थोड़ी सी मेरे हाथ में लग गई थी और उससे जो है उंगली में खून भी निकल गया था, पर छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो घाम करते करते लगती रहती है, इससे जो है हमें घबराना भी नहीं चाहिए, ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहेंगी तभी तो हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। यार मैं इसको तो है ना पत्थर के ऊपर बार बार उंगली को रगड़ रही थी ताकि खून जो है बंद हो जाए, पर नहीं बंद हो रहा था। तो रेस्ट करने के बाद ये देखिए चल पड़े थे और पहुंच गए हैं फिर से घर के पास, और ये देखिए ना ये रख दिया लाकर घास, थक भी गए हैं काफ़ी दूर से लेकर आए हम लोग, और बस अब जाके जो है ना नहाएंगे धोएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस काम के घर के काम निपटा लिए। ये तो हुई थी ना पर एक निशु ए जे एक एक ए बिया इत खा जे इत खा पाकी रहा एक बड़ा बड़ बड़ा वारा बड़ी नहीं करनी खा बाकी रहा उठा बाकी रहा कि पूछना दो पहले तो पूछ पूछ किलोमीटर दूर है ये लोग ले इतनी जोगी रख दे वो इतने गुंठिया ने करूं तू खा वो नहीं पर यहाँ सुना यहाँ देखे खिंचदा पे ए हल्के हल्के वांगू है पर टूटी जाए ज्यादा पेचदा। तो देखिए ये उतारे थे ऋषि ने संतरे, तो चलिए धूप में बैठकर खाएंगे। तो बस उसके बाद जो है मैंने फटाफट पहले तो लगा ली थी मेहंदी और उसके बाद बैठ गई थी मंदिर के पास धूप में और पूरा पूरा मज़ा ले रही थी इनको खाने का। और वैसे भी ना यार घर की चीज़ें जो भी हो ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर का कुछ भी हो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो अभी बिल्कुल ताज़े ताज़े उतारे थे संतरे तो टेस्टी हैं काफ़ी, हैं खट्टे मीठे। तो संतरे खाने के बाद चलिए आपको दिखाती हूँ आसपास का व्यू और जहाँ पर हो रही है शादी घर को। तो यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग की समाप्ति, यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।